अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल के एच ऑनलाइन एकेडमी। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम करने जा रहे हैं यूनिट नंबर 4, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड अलजेब्रिक फार्मूलाज। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे, एक जस्ट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज, कि फार्मूलाज नहीं होता, आपके पास फार्मूले होता है। ठीक है, फार्मूला की प्लूरल आपके पास फार्मूले है। चलिए जी, आज हमने इस चैप्टर में, जो 4 चैप्टर है, इसमें हम डिस्कस करेंगे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, अलजेब्रिक फार्मूले क्या होते हैं, सर्ड्स क्या होते हैं, उनकी एप्लीकेशंस क्या हैं, और रैशनलाइजेशन का प्रोसेस क्या होता है हमारे पास। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, अलजेब्रा इज द जनरलाइजेशन ऑफ अरिथमेटिक। वी कॉल दैट व्हेन ऑपरेशंस ऑफ एडिशन एंड सबट्रैक्शन आर अप्लाइड टू अलजेब्रिक टर्म्स, वी ऑब्टेन एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। वो कह रहा है कि जब भी आप अलजेब्रिक टर्म्स के ऊपर एडिशन और सब्ट्रैक्शन अप्लाई कर देते हैं, तो फिर जो आपके पास आता है वो आपके पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आता है। देखिए, जैसे आपके पास यहाँ पे 5x का स्क्वायर है, ये 5x का स्क्वायर मेरे पास एक अलजेब्रिक टर्म है, ये 3x मेरे पास एक अलजेब्रिक टर्म है, ये 2 ओवर स्क्वायर रूट x मेरे पास एक अलजेब्रिक टर्म है। ठीक है जी, अब जब इसमें मैंने प्लस या माइनस का इस्तेमाल कर लिया, टर्म्स को ऐड किया या सब्ट्रैक्ट किया, तो जब भी इनको ऐड और सब्ट्रैक्ट किया, तो ये जो पूरा एक्सप्रेशन बना मेरे पास, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है कि जिसको आप अलजेब्रिक टर्म्स को जब आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन के साथ ऑपरेट करते हैं, तो वो आपके पास जो होता है, वो आपके पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाता है। नेक्स्ट है जी, पॉलीनोमियल क्या होता है। पॉलीनोमियल इन द वेरिएबल एक्स इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म। पॉलीनोमियल भी आपके पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, लेकिन उसको लिखने का कुछ खास तरीका उसने बताया है कि आप एक्स वेरिएबल में जो पॉलीनोमियल है उसको कैसे लिखते हैं, ए एन एक्स की पावर एन, फिर ए एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस वन, ए एन माइनस टू एक्स की पावर एन माइनस टू, प्लस एंड सो ऑन, प्लस ए वन एक्स प्लस ए नॉट, वेयर ए एन इज नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, वेयर एन द हाइएस्ट पावर ऑफ एक्स। एन क्या है आपके पास यहाँ पे, एक्स की जो हाइएस्ट पावर होगी वो आपका एन होगा। बिल फर्स्ट अभी एग्जाम्पल्स दे के भी आपको बताती हूँ, पहले डेफिनेशन कम्प्लीट कर लेते हैं। वेयर एन द हाइएस्ट पावर ऑफ एक्स इज़ अ नॉन नेगेटिव इंटीजर, एन जो है वो आपके पास एक्स की हाइएस्ट पावर होगी और वो लाजमी तौर पर आपका नॉन नेगेटिव इंटीजर होगा। नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब है कि आपके पास सारे पॉजिटिव नंबर्स होंगे, कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पॉलीनोमियल, और उस एन को आप अपने पॉलीनोमियल की डिग्री कहेंगे जो आपके पास एक्स की हाइएस्ट पावर होगी। एंड ईच कोफिशिएंट ए एन इज़ अ रियल नंबर, और ये जितने भी आपके पास कोफिशिएंट्स हैं, ये सारे के सारे आपके पास रियल नंबर्स हैं, ए एन, ए एन माइनस वन, ए एन माइनस टू, ए वन, ए नॉट, ये सारे के सारे आपके पास रियल नंबर्स हैं। द कोफिशिएंट ए एन ऑफ द हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इज कॉल्ड द लीडिंग कोफिशिएंट। जो आपके पास एक्स की हाईएस्ट पावर के साथ कोफिशिएंट लिखा होगा, उसको आप कहते हैं कि वो आपका लीडिंग कोफिशिएंट है। आप देखें एग्जाम्पल के तौर पर, उसने एक पॉलीनोमियल लिखा है 2x की पावर 4 y की पावर 3 प्लस x का स्क्वायर y का स्क्वायर प्लस 8x। अब ये पॉलीनोमियल आपकी सिर्फ x वेरिएबल में नहीं है, ये पॉलीनोमियल आपकी एक्स वाई वेरिएबल में है। यहाँ पे आपने हाईएस्ट पावर देखनी है। अब दो वेरिएबल्स आ गए हैं, जब दो वेरिएबल्स इकट्ठे आ जाते हैं और वो मल्टीप्लाई हो रहे हों, तो उनकी डिग्री हमने जब चेक करनी होती है, हम उनका सम लेकर चेक करते हैं। आप यहाँ पे देखें, एक ही वेरिएबल है, इसकी पावर 1 है। यहाँ दो वेरिएबल्स हैं, 2 और 2, टोटल 4 हो गई। यहाँ पे आपके पास x की पावर 4, y की 3, जब आप डिग्री देखेंगे तो 4 प्लस 3 इज 7, तो आपके पास जो हाईएस्ट डिग्री आ रही है वो 7 आ रही है। अब ये तो बात थी कि ये आपके टू वेरिएबल्स में आपका पॉलीनोमियल है। एक छोटी सी एग्जांपल आपको देती हूँ कि जिससे आपको ये डेफिनेशन समझ आ जाए कि ये ए एन, ए एन माइनस वन, ये क्या लिख दिया उसने, तो इसको समझ लें ज़रा। आपके पास है पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ए एन एक्स की पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस एंड सो ऑन प्लस ए वन एक्स प्लस ए नॉट। ठीक है, ये ए नॉट जो है वो आपका कांस्टेंट बन जाता है, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल कोई नहीं है। अब आपको मैं एग्जांपल देती हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू थ्री एक्स की पावर
11 प्लस 4 एक्स की पावर माइनस नहीं लिख सकते क्योंकि उसने कहा है n आपके पास पॉजिटिव इंटीजर है, यहाँ पे आ जाएगा 10 प्लस 8 एक्स की पावर 7 प्लस 3 एक्स की पावर 5 माइनस 9। ठीक है, ये मैंने एक पॉलिनोमियल लिखी। अब यहाँ पे देखो x की पावर n का मतलब है कि आप देखना है x की हाईएस्ट पावर क्या है। हाईएस्ट पावर देख लो, मुझे यहाँ से नज़र आ रही 11 है, तो ये मेरे पास पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 11 है, जबकि ये जो जनरल फॉर्म लिखी हुई है ये पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री n है। n कुछ भी हो सकता है, कोई भी आपका नॉन नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, उसके बाद ये ए एन ए एन माइनस वन, ये जस्ट उसने कॉन्स्टेंट को डोनेट किया हुआ है। आप बी एन लिख लो, बी एन माइनस वन लिख लो, बी एन एन माइनस वन नहीं पसंद आता आप कुछ और लिख लें, लेकिन ये सिर्फ आपको ए एन माइनस वन ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ये जो चीज़ें हैं आपकी वेरिएबल से साथ लिखे गए आपके कॉफिशेंट्स हैं। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास लीडिंग कॉफिशेंट होता है जो हाईएस्ट पावर के साथ कॉफिशेंट लिखा हो, मेरा 3 जो है वो मेरा लीडिंग कॉफिशेंट है। पोलिनोमियल मेरे पास है डिग्री 11 की। ठीक है, और आप देख सकते हैं कि आपके यहाँ जितने भी एन लिखे हुए हैं वो आपके नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं। ठीक है, आपने बस इस चीज़ का ध्यान रखना है। पोलिनोमियल क्या है, आपकी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, शायद आपने नाम सुना हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, वो भी आपके पास पोलिनोमियल है जिसमें एक्स की हाईएस्ट पावर 2 होती है, उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। जहाँ एक्स की पावर 3 होती है वो हमारे पास क्यूबिक इक्वेशन है। जहाँ एक्स की पावर 4 हो जाए, 5 हो जाए, 6 हो जाए, वो सारी हमारे पास पोलिनोमियल्स हैं। आपके पास अगर मैं एक एक्सप्रेशन लिख दूँ पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5x+3, ये भी पोलिनोमियल है, ये लीनियर इक्वेशन है, लेकिन ये भी क्या है, ये भी मेरे पास पोलिनोमियल है क्योंकि यहाँ एक्स की पावर मेरे पास 1 है, ये इस पोलिनोमियल की डिग्री मेरे पास 1 है। तो जिस पोलिनोमियल की डिग्री मेरे पास 1 है वो लीनियर इक्वेशन है, जिस पोलिनोमियल की डिग्री मेरे पास 2 है वो मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जिस पोलिनोमियल की डिग्री मेरे पास 3 है वो मेरे पास क्यूबिक इक्वेशन है, और बाकी अप टू सो ऑन जितनी भी आती है उसको हम पोलिनोमियल ही कह देते हैं। क्योंकि एक्स की पावर 4 को आप क्या कहेंगे, टेट्रा पोलिनोमियल कहेंगे। पावर 5 को क्या कहेंगे, आप पेंटा हेक्सा करना शुरू कर देंगे। नो, तो जनरलाइजेशन में हम वर्ड पोलिनोमियल का यूज़ कर लेते हैं। अब आपने सेल्फ टेस्ट करना है कि आपके पास कौन सी पॉलिनोमियल है और कौन सी आपके पास पॉलिनोमियल नहीं है। आप देख सकते हैं ये आपके पास पॉलिनोमियल है, ये आपके पास पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है, ये जनाब ये आपके पास पॉलिनोमियल नहीं है, क्यों नहीं है। आप यहाँ पे सिर्फ आपने पढ़ा है पॉलिनोमियल की डेफिनेशन में कि आपके पास एक्स की पावर जो है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। यहाँ पे आप एक्स की पावर देखें 2 है, 2 इज़ अ नॉन नेगेटिव इंटीजर। यहाँ पे अगर आप एक्स की पावर देखते हैं तो एक्स की पावर यहाँ पे 1/2 है। ठीक है ना, स्क्वायर रूट का क्या मतलब है कि उसकी पावर 1/2 है। तो पावर 1/2 है तो 1/2 अगर आप गौर करें तो आपके सेट ऑफ इंटीजर्स से ही बिलोंग नहीं करता। नॉन नेगेटिव तो बहुत दूर की बात है, वो आपके सेट ऑफ इंटीजर्स से ही बिलोंग नहीं करता। तो ये आपके पास पॉलिनोमियल नहीं है, जबकि ये आपके पास पॉलिनोमियल है क्योंकि यहाँ वेरिएबल की पावर 3, 2, 1 और एंड पे 0 है। कहीं पे भी मुझे वेरिएबल की पावर जो है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर नज़र नहीं आई, सॉरी नेगेटिव इंटीजर या फ्रैक्शन की फॉर्म में नज़र नहीं आई, इसलिए सारी की सारी नॉन नेगेटिव इंटीजर्स ही हैं पावर्स, तो ये मेरे पास एक पॉलिनोमियल है। इसी तरह ये भी आपके पास पॉलिनोमियल है, फ्रैक्शन में जब आपके पास आ जाए तो आपने उसका न्यूमिरेटर अलग से चेक करना है और उसका डिनोमिनेटर जो है वो आपने अलग से चेक करना है। तो ये भी आपके पास एक पॉलिनोमियल है क्योंकि यहाँ पे भी एक्स की पावर्स जो है वो आपके पास ना तो नेगेटिव आ रही हैं, ना ही फ्रैक्शन की फॉर्म में या डेसिमल की फॉर्म में आ रही हैं, बल्कि जितनी भी दी हुई हैं वो आपके पास नॉन नेगेटिव इंटीजर्स ही हैं। तो सिर्फ एक ये पार्ट नंबर 3 जो है ये आपके पास पॉलिनोमियल नहीं था। रैशनल एक्सप्रेशंस बिहेव लाइक रैशनल नंबर्स। लेट ए एंड बी बी टू नंबर्स, ए और बी आपके पास दो नंबर्स हैं। ए ओवर बी इज़ नॉट नेसेसरली एन इंटीजर। क्वाइट ऑब्वियस कि जब आपके पास ए और बी दो इंटीजर्स हैं लेकिन जब आप उनको डिवाइड करते हो तो वो आपके पास एक इंटीजर नहीं रहता, हो भी सकता है लेकिन ज़रूरी नहीं है। बिलफर्स, एक मैंने नंबर ले लिया 5, ए मैंने ले लिया 5 और बी मैंने ले लिया 6, लेकिन जब मैं इनको डिवाइड करती हूँ तो 5/6 जो है वो मेरे पास एक इंटीजर नहीं है।
दूसरी तरफ अगर आप कहते हैं ए आपके पास है 4, बी आपके पास है 2, तो जब आप डिवाइड करेंगे ए को बी पे 4/2, तो ये कैंसिल होकर आपके पास 2 आ जाएगा। तो 2 आपके पास एक इंटीजर है, तो इसलिए उसने कहा कि जब आप उसको डिवाइड करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो आपके पास एक इंटीजर आए। बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स मिल जाएंगे जिसमें वो आपके पास इंटीजर नहीं होगा। देयरफॉर द नंबर सिस्टम इज़ एक्सटेंडेड, इसलिए नंबर सिस्टम को उन्होंने एक्सटेंड किया। ए ओवर बी को उन्होंने रैशनल नंबर कहा, जहाँ ए और बी बताते हैं खुद तो इंटीजर हैं और आपका बी जो है वो नॉन ज़ीरो होना चाहिए, क्योंकि अगर ज़ीरो हो जाएगा तो आपका तो डिनोमिनेटर ख़त्म, डिनोमिनेटर वैनिश हो गया तो आपका तो सारा जी समझ लें मैथ्स का ही सत्यानाश ठीक हो गया। तो बी पे तो कंडीशन लग गई कि वो नॉन इक्वल टू ज़ीरो हो। ए और बी बजाते खुद इंटीजर्स होंगे, लेकिन इनकी डिवीजन जो है वो आपके पास ज़रूरी नहीं कि एक इंटीजर हो। तो ये आपके पास वही रैशनल नंबर्स की डेफिनेशन आ जाती है कि ऐसे नंबर जो आप पी ओवर क्यू की शक्ल में लिख सकें, जहाँ आपका पी और क्यू सेट ऑफ इंटीजर्स से बिलोंग करता है, तो वो नंबर्स आपके रैशनल नंबर्स कहलाते हैं, जिसको हमने अपने फर्स्ट चैप्टर में और आई थिंक सेकंड चैप्टर में जो है वो बहुत डिटेल से डिस्कस किया। फर्स्ट चैप्टर में नहीं, सेकंड चैप्टर में डिटेल से डिस्कस किया था। चलें जी, अब आगे देखें। इफ़ पी ऑफ एक्स एंड क्यू ऑफ एक्स आर टू पॉलीनोमियल्स, वो कह रहा है अगर आपके पास पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स दो पॉलीनोमियल्स आ जाती हैं, देन पी ऑफ एक्स ओवर क्यू ऑफ एक्स इज़ नॉट नेसेसरली आ पॉलीनोमियल। फिर आपके पास पी ऑफ एक्स ओवर क्यू ऑफ एक्स ज़रूरी नहीं है कि एक पॉलीनोमियल हो। देयरफॉर सिमिलर टू द आइडिया ऑफ रैशनल नंबर्स, कॉन्सेप्ट ऑफ रैशनल एक्सप्रेशंस इज डेवलप्ड। बिल्कुल इसी तरह जैसे आपने रैशनल नंबर्स का कॉन्सेप्ट निकाला कि आपके पास ए ओवर बी नेसेसरली इंटीजर नहीं है, लेकिन ऐसे नंबर्स जिनको ए ओवर बी की शक्ल में लिखा जाए और वहाँ पे ए और बी आपके पास इंटीजर्स हो, उनको रैशनल नंबर्स कहते हैं। बिल्कुल इसी तरह हमारे पास रैशनल पॉलीनोमियल्स आए कि आपके पास एक पॉलीनोमियल है एक्स वेरिएबल में, एक पॉलीनोमियल दूसरी है एक्स वेरिएबल में, दो पॉलीनोमियल्स हैं एक्स वेरिएबल में, लेकिन जब आप उनको डिवाइड करेंगे तो वो आपके पास पॉलीनोमियल नहीं रहेगी। तो उसका भी उन्होंने हल ये निकाला कि आप पी ऑफ एक्स ओवर क्यू ऑफ एक्स की शक्ल में लिख दो, ये दो आपके पास पॉलीनोमियल्स हैं, क्यू ऑफ एक्स आपके पास नॉन ज़ीरो होना चाहिए, ऐसे पॉलीनोमियल को आप रैशनल एक्सप्रेशन कहते हैं। क्या मतलब है बताने वाले का? बताने वाले का मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना है कि आपने ऊपर वाले की पावर्स न्यूमिरेटर वाले को अलग से चेक कर लें पॉलीनोमियल, और डिनोमिनेटर वाले को अलग से चेक कर लें पॉलीनोमियल। बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम रैशनल नंबर्स में ए को चेक करते हैं कि वो इंटीजर है और बी को चेक करते हैं कि वो इंटीजर है, तो ए ओवर बी जो है वो हमारा एक रैशनल नंबर बन जाता है। बिल्कुल इसी तरह उसने कहा कि आप पी ऑफ एक्स को चेक कर लें कि वो आपके पास एक पॉलीनोमियल है। पॉलीनोमियल है से मुराद कि उसकी सारी पावर्स नॉन नेगेटिव इंटीजर्स आ रही हैं। और क्यू ऑफ एक्स को भी आप बिल्कुल इसी तरह चेक कर लें कि वो आपके पास पॉलीनोमियल बनता है। तो फिर पी ऑफ एक्स ओवर क्यू ऑफ एक्स वाली जो फॉर्म होगी उसको आप रैशनल एक्सप्रेशन कहेंगे, उसकी मदद से बनने वाला पॉलीनोमियल आपके पास एक रैशनल एक्सप्रेशन कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल 2x+1 ये एक मेरे पास पॉलीनोमियल है, 3x+8 ये भी मेरे पास एक पॉलीनोमियल है, तो ये आपके पास जो है एक रैशनल एक्सप्रेशन है, और डिनोमिनेटर शुड नेवर बी इक्वल्स टू ज़ीरो। इन द रैशनल एक्सप्रेशन पी ऑफ एक्स ओवर क्यू ऑफ एक्स, पी ऑफ एक्स इज कॉल्ड द न्यूमिरेटर एंड क्यू ऑफ एक्स इज नोन एज द डिनोमिनेटर ऑफ द रैशनल एक्सप्रेशन। पी ऑफ एक्स आपका न्यूमिरेटर है और क्यू ऑफ एक्स जो है वो आपका डिनोमिनेटर है। इट्स क्वाइट ऑब्वियस कि जो ऊपर लिखी हुई चीज़ होती है वो आपका न्यूमिरेटर है, जो नीचे लिखी हुई फ्रैक्शन में चीज़ होती है वो आपका डिनोमिनेटर है। इस चीज़ को आप 5-6 क्लास स्टडी करते आ रहे हैं। द रैशनल एक्सप्रेशन पी ऑफ एक्स ओवर क्यू ऑफ एक्स नीड नॉट टू बी अ पॉलीनोमियल। पी ऑफ एक्स ओवर क्यू ऑफ एक्स आपके पास ज़रूरी नहीं है कि वो एक पॉलीनोमियल हो। अब देखिए उसने कहा हर पॉलीनोमियल को आप रैशनल एक्सप्रेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे? कि आपके पास एक पॉलीनोमियल पी ऑफ एक्स है, उसके नीचे आप कुछ नहीं है तो आप 1 लिख लें। 1 इज़ अगेन अ पॉलीनोमियल, बट इसकी डिग्री क्या है? यहाँ तो एक्स है ही नहीं, ठीक है, वेरिएबल की डिग्री यहाँ पे 0 है। तो यहाँ पे ये पॉलीनोमियल ऑफ डिग्री 0 जो होता है वो आपका कांस्टेंट होता है। समझ गए हैं मेरी बात को? देखें यहाँ पे मैं आपके पास लिखती हूँ 5, ये मेरे पास एक पॉलीनोमियल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखें ना तो मेरे पास x की पावर 0 है, तो ये मेरे पास पॉलीनोमियल ऐसी है जिसकी डिग्री मेरे पास 0 है। तो जितने भी कॉन्स्टेंट्स हैं वो भी आपके पास एक पॉलीनोमियल ही होते हैं। तो उसने कहा कि आप हर पॉलीनोमियल को रैशनल एक्सप्रेशन की शक्ल में लिख सकते हो। कि आप पी ऑफ एक्स ओवर 1 लिख दो, रैशनल बन गया ना। दस एवरी पॉलीनोमियल इज अ रैशनल एक्सप्रेशन, बट एवरी रैशनल एक्सप्रेशन नीड नॉट टू बी अ
पॉलीनोमियल। ये फिर वही बात है कि हर रैशनल एक्सप्रेशन आपके पास एक पॉलीनोमियल नहीं है, बिल्कुल उसी तरह जैसे हर ए ओवर बी आपका एक इंटीजर नहीं है, उसी तरह हर रैशनल एक्सप्रेशन जो है वो आपके पास एक पॉलीनोमियल नहीं है। अब आप देखें कि कौन सी रैशनल एक्सप्रेशन हैं जो हमारे पास पॉलीनोमियल नहीं बनती। ये किस तरह की उसने बात कर दी कि रैशनल एक्सप्रेशन है लेकिन वो पॉलीनोमियल नहीं है। तो देखें आप क्लैरिफाई करते हैं हम। पहली, अगर आप आई थिंक यहाँ पे थोड़ा सा वेट कर लेना चाहिए, अजान हो रही है, सो प्लीज़ वेट फॉर 5 मिनट। चलें जी, आप पहली एग्जांपल देखें, आपने सिर्फ एक्स की पावर्स चेक करनी है। एक्स की पावर आपके पास 1 है ना, तो आपके पास ये नेगेटिव आ रही है पावर, ना ही फ्रैक्शन की फॉर्म में पावर आ रही है। तो ये जो आपका ऊपर वाला पी ऑफ एक्स है ये पॉलीनोमियल है। अब आप नीचे वाले को भी चेक कर लें, एक्स की पावर इधर भी 1 है तो ये भी आपका पॉलीनोमियल है। तो ये पी एक्स ओवर क्यू एफ एक्स की फॉर्म में जो रैशनल एक्सप्रेशन है, ये रैशनल एक्सप्रेशन भी है और ये पॉलीनोमियल भी है। अब आप एग्जांपल नंबर 2 पे आ जाएं, यहाँ एक्स की पावर 1 है, ये आपके पास पॉलीनोमियल है। पॉलीनोमियल कब नहीं होगी, जब आपके पास फ्रैक्शन की फॉर्म में आ जाए आपकी पावर या नेगेटिव आ जाए। अब आप नीचे चेक करें, एक्स की पावर 2 है, एक्स की पावर 1 है, ये भी आपके पास ऊपर वाला भी पॉलीनोमियल है, नीचे वाला भी पॉलीनोमियल है। तो ये जो रैशनल एक्सप्रेशन आपके पास है ये भी इटसेल्फ पॉलीनोमियल है। लेकिन अब आप जब एग्जांपल नंबर 3 और 4 की तरफ चलेंगे तो आप देख सकते हैं कि न्यूमिरेटर में तो एक्स की पावर 2 है और एक्स की पावर 1 है, तो ये तो पॉलीनोमियल है। लेकिन जब डिनोमिनेटर में देख रहे हैं तो यहाँ स्क्वेयर रूट आ रहा है, स्क्वेयर रूट का मतलब है एक्स के ऊपर पावर 1/2 है। अब ये ऐसी, ये रैशनल एक्सप्रेशन तो है क्योंकि पी ओवर क्यू की शक्ल में लिखी गई, लेकिन ये आपके पास जो है वो पॉलीनोमियल नहीं है। पॉलीनोमियल इसीलिए नहीं है आपके पास क्योंकि आपके पास जो पावर है डिनोमिनेटर में वो आ गई है नेगेटिव। तो ऊपर वाला तो आपके पास पॉलीनोमियल है लेकिन नीचे वाला पॉलीनोमियल ना हुआ। अब ये एग्जांपल है ऐसी जिसमें आपके पास एक रैशनल एक्सप्रेशन तो बन रहा है लेकिन आपके पास एक पॉलीनोमियल नहीं बन रहा। बिल्कुल इसी तरह आप अगर अपनी एग्जांपल नंबर 4 की तरफ जाएं तो वहां पे भी आप देख सकते हैं कि आपका न्यूमिरेटर जो है वो पॉलीनोमियल नहीं बन रहा जबकि आपका डिनोमिनेटर जो है वो पॉलीनोमियल है। तो पी ओवर क्यू को अगर आप देखें तो इट्स नॉट अ पॉलीनोमियल, रैशनल एक्सप्रेशन तो है क्योंकि आपके पास एक्स वेरिएबल में इक्वेशन ऊपर भी है, एक्स वेरिएबल में इक्वेशन कह रही सॉरी एक्सप्रेशन ऊपर भी है, एक्स वेरिएबल में एक्सप्रेशन नीचे भी है। तो पी ऑफ एक्स ओवर क्यू ऑफ एक्स की शक्ल में तो लिखा गया लेकिन ये आपके पास पॉलीनोमियल नहीं है क्योंकि आपके पास एक्स की पावर जो है वो 1/2 आ रही है आपके न्यूमिरेटर में। प्रॉपर्टीज हैं कुछ रैशनल एक्सप्रेशन की, द मैथड फॉर ऑपरेशन विद रैशनल एक्सप्रेशन इज सिमिलर टू ऑपरेशन विद रैशनल नंबर्स। वो कह रहा है जैसे आप रैशनल नंबर्स को ऑपरेट करते हैं, सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, बिल्कुल वैसे ही आपने अपनी रैशनल एक्सप्रेशन को करना है।
लेट पी ऑफ एक्स क्यू ऑफ एक्स आर ऑफ एक्स एस ऑफ एक्स बी एनी पोलिनोमियल्स, चार उसने पोलिनोमियल्स ले ली पी ऑफ एक्स क्यू ऑफ एक्स आर ऑफ एक्स और एस ऑफ एक्स सच दैट ऑल द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल दैट मेक अ रैशनल एक्सप्रेशन अनडिफाइंड आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द डोमेन. उसने कहा कि जितनी भी पोलिनोमियल्स हैं इनके जो वेरिएबल्स हैं जो आपके पास रैशनल एक्सप्रेशंस बना रहे हैं इधर अभी उसने डोमेन को एक्सक्लूड किया हुआ. अभी आपको पता नहीं है कि क्या इसकी डोमेन होगी. अभी इस चीज़ को डोमेन वाले कॉन्सेप्ट को ज़रा अभी साइड पे रखें. डोमेन वाले कॉन्सेप्ट को साइड पे रखकर आपके पास कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं कि पी ऑफ एक्स ओवर क्यू ऑफ एक्स आपके पास इक्वल होगा आर ऑफ एक्स ओवर एस ऑफ एक्स इफ़ एंड ओनली इफ कि आप इस पी ऑफ एक्स को इस एस ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई करो और इस क्यू ऑफ एक्स को इस आर ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई करो तो आपके पास ये इक्वल रहें. ठीक है, दो चीज़ें दो फ्रैक्शन हैं कब इक्वल होंगी कि आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो और वो दोनों आपस में बराबर आती हैं तो वो आपके पास जो है इक्वल होंगी. ठीक है, इफ़ एंड ओनली इफ है कि अगर ये वाला रिजल्ट होल्ड करता है तो इसका मतलब ये वाली चीज़ है. ठीक है ना, इक्वलिटी है तो आप यहाँ से एस ऑफ एक्स को इधर डिवाइड में भी तो ला सकते हैं. मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा. इसी तरह ये क्यू ऑफ एक्स यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड हो जाएगा, लेकिन उसी वक्त करेंगे ना जब इक्वलिटी होगी. बिल्कुल इसी तरह अगर इस फॉर्म में आपके पास इक्वल की शक्ल में लिखा हुआ है तो यहाँ डिवाइड हो रहा हो तो जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ डिवाइड हो रहा हो तो जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा. ये जनरल कॉन्सेप्ट है, इसमें कोई ऐसी खास चीज़ नहीं. कैंसिलेशन भी है कि अगर दोनों टर्म्स दोनों पॉलीनोमियल्स आपके एक ही स्केलर के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो वो आपके पास कैंसिल आउट हो जाएंगे. एडिशन देखें, उसने बड़ी मज़े की एडिशन बताई है. बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स हैं ऐसे जिनको एलसीएम लेने नहीं आते तो यहाँ से वो देखें जी. ये मैं जो है आपको लिख के बताना चाहूँगी कि कैसे एलसीएम लिया जाता है. पहली बात तो आप लोगों ने ये याद रखनी है कि एलसीएम सिर्फ अंडर एडिशन और सब्ट्रैक्शन में लिया जाता है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में हम एलसीएम नहीं लेते. अब उसने लिखा हुआ है पी ऑफ एक्स ओवर क्यू ऑफ एक्स प्लस आर ऑफ एक्स ओवर एस ऑफ एक्स. तो बच्चों देखें एलसीएम आपने कैसे लेना है, आपने अपना डिनोमिनेटर देखना है. जितनी फ़र्क फ़र्क टर्म्स आपके डिनोमिनेटर में है ना वो सारी आपके एलसीएम में चली जाएंगी. और मेरे पास क्यू ऑफ एक्स और है एक टर्म और एस ऑफ एक्स एक और टर्म है, दो टर्म्स हैं, दोनों एक दूसरे से डिफरेंट है. क्वाइट ऑब्वियस है अगर दोनों सेम होती तो दूसरी वाली को एस ऑफ एक्स का नाम हम क्यों देते. टू अगर आपके पास है तो टू टू के इक्वल होना है ना, फिर मैं टू को थ्री तो नहीं लिख सकती. तो अगर ये दोनों चीज़ें मेरे पास फ़र्क नेम से डिनोट हुई हुई हैं तो इसका मतलब ये दोनों डिफरेंट है. जो भी आपके पास डिफरेंट चीज़ें होंगी डिनोमिनेटर में वो आपके एलसीएम में आ जाएंगे. लिख लिया, अब आपने क्या करना है, ऊपर वाला वैसे ही पहली आपने अपनी टर्म को देखना है, पहली टर्म को सिर्फ देखना है. पहली टर्म का न्यूमिरेटर आपने लिख देना है. अब आपने देखना है उसके नीचे, इसके नीचे कौन सी टर्म नहीं है इस एलसीएम में से, इस एलसीएम में से इसके नीचे कौन सी रकम नहीं है, एस ऑफ एक्स नहीं है, वो साथ मल्टीप्लाई हो जाए प्लस. अगेन आपका न्यूमिरेटर वैसे ही. अब आपने आर ऑफ एक्स के नीचे देखना है कि इसके नीचे इन दोनों में से कौन सी रकम नहीं है, कौन सा एक्सप्रेशन नहीं है, वो मेरा क्यू ऑफ एक्स नहीं है, तो वो साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा. ठीक है, एक तो ये तरीका है. अगर बीच में प्लस है तो आपका प्लस आ जाएगा, अगर माइनस है तो आप देख सकते हैं बीच में माइनस आ जाएगा. बाकी कुछ हमारे इंस्टीट्यूट्स में ऐसे भी बताया जाता है कि आपने देख लिया एलसीएम आपके पास आया है, एलसीएम आपने देखा आपके पास आया था जी क्यू ऑफ एक्स इंटू एस ऑफ एक्स. फिर आप क्या करें, लेड पेंसिल पकड़नी है पेपर में और आपने जो आपकी पॉलीनोमियल है ना पी ऑफ एक्स ओवर क्यू ऑफ एक्स है प्लस आर ऑफ एक्स ओवर एस ऑफ एक्स है. अब आपने देखना है कि आपने ऊपर क्या लिखना है, कैसे आपने ये वाली चीज़ बनानी है, कौन सी वाली, ये वाली चीज़, ये सारा एक्सप्रेशन कैसे बनाना है. तो सिंपली हमारे इदारों में यही बताया जाता है कि आप जो एलसीएम है वो लिख लें, उसके बाद एलसीएम से आप इधर भी मल्टीप्लाई कर दें क्यू ऑफ एक्स और एस ऑफ एक्स से, इधर भी मल्टीप्लाई कर दें, मतलब पहली टर्म को भी मल्टीप्लाई कर दें और ये आपकी दूसरी टर्म है इसको भी मल्टीप्लाई कर दें. अगर तीन टर्म्स लिखी हुई हैं तो तीनों को मल्टीप्लाई कर दें, चार लिखी हुई हैं तो चारों को एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दें. मतलब जो भी आपका एलसीएम आया है ना
उससे आपने अपनी दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ से एस ऑफ एक्स से कट जाएगा, यहाँ से क्यू ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स कट जाएगा, तो आप देख सकते हैं आपके पास बचेगा पी ऑफ एक्स इंटू एस ऑफ एक्स प्लस आर ऑफ एक्स इंटू क्यू ऑफ एक्स। तो ये देखें, ये वही चीज़ दिखी हुई है। तो अगर आपको इस तरह नहीं समझ आती तो आप एलसीएम ले लें, उसको लिख लें, उसके बाद जो भी एलसीएम आए आपकी गिवन इक्वेशन में, गिवन एक्सप्रेशंस में जितनी भी टर्म्स हैं उसको आप एलसीएम से मल्टीप्लाई कर लें, जो टर्म्स आपके पास कैंसिल आउट होती हैं उसको कैंसिल आउट कर लें, और जो आपके पास बच जाए उसको मल्टीप्लाई करके आप अपने न्यूमिरेटर में राइट डाउन कर लें। अब मैं आपको ये बात वाजिया कर चुकी कि एलसीएम सिर्फ अंडर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन लिया जाता, सॉरी एडिशन और सब्ट्रैक्शन में लिया जाता है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में आप एलसीएम नहीं लेते। मल्टीप्लिकेशन आपके पास क्वाइट इजी कि आपने न्यूमिरेटर को न्यूमिरेटर से मल्टीप्लाई कर देना है, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देना है, और जब आप डिवाइड करेंगे, डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज कैसे करते हैं कि आप रेसिप्रोकल ले लेते हैं। रेसिप्रोकल से मुराद है कि उल्टा के लिख दें। अगर आपके पास आर ऑफ एक्स ओवर एस ऑफ एक्स है तो इसको उल्टा के लिखेंगे तो आपके पास बन जाएगा एस ऑफ एक्स ओवर आर ऑफ एक्स, ठीक है। डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा, न्यूमिरेटर को न्यूमिरेटर से मल्टीप्लाई कर दें और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दें। अब सवाल पैदा होता है कि अगर आपने किसी भी रैशनल एक्सप्रेशन का एडिटिव इन्वर्स निकालना है तो याद रखें कि एडिटिव इन्वर्स का मतलब है कि आपने साइन चेंज कर देना है, और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का मतलब है कि आपने उसका रेसिप्रोकल ले लेना है, यानी कि उसको उल्टा के लिख देना है। लेकिन ये याद रखना है कि उल्टे का सिर्फ उसी सूरत में जब आपका ना ऊपर वाला ज़ीरो हो ना नीचे वाला ज़ीरो हो, क्योंकि अगर दोनों में से एक भी ज़ीरो हुआ तो जब आप उल्टाएंगे तो काम ख़राब हो जाएगा। अगर क्यू ऑफ एक्स ज़ीरो हुआ तो फिर तो ये आपके पास ये वैसे ही ख़राब हो जाएगा काम, ठीक है, डिनोमिनेटर वैनिश हो गया तो इन्फिनिटी हो जाएगा। लेकिन अगर नीचे आपका समझ लें फाइव है और ऊपर आपका ज़ीरो है तो जब आप उल्टाएंगे तो आपका नीचे ज़ीरो बन जाएगा, फिर भी काम ख़राब है। तो इसलिए उसने लिखा है कि पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स इस सूरत में मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लेते हुए दोनों के दोनों नॉन ज़ीरो होने चाहिए। उसके बाद है कि हम अपनी रैशनल एक्सप्रेशन को जो है ना, हमारी कोशिश होती है कि उसको लोएस्ट फॉर्म में लिखा जाए। तो देखें जी, लोएस्ट फॉर्म में लिखने से क्या मुराद है। द रैशनल एक्सप्रेशन पी ऑफ एक्स ओवर क्यू ऑफ एक्स इज सेड टू बी इन इट्स लोअर फॉर्म, लोअर फॉर्म में कहलाएगी अगर पी ऑफ एक्स एंड क्यू ऑफ एक्स आर द पोलिनोमियल्स। ऑब्वियस है ना कि पोलिनोमियल्स है, ऊपर वाला भी पोलिनोमियल है नीचे वाला भी पोलिनोमियल है, विद इंटेग्रल कोफिशिएंट्स एंड हैव नो कॉमन फैक्टर। मतलब उन दोनों के दरमियान में कोई कॉमन फैक्टर ना हो। सिंपली आप आसान लफ्ज़ों में समझ लें कि रैशनल एक्सप्रेशन की लोएस्ट फॉर्म क्या होती है, कि आपने अपने जो पोलिनोमियल्स हैं उसको उस हद तक लिखना है, फैक्टर्स बना लें, उसके खोल लें, उसको एक्सपेंड कर लें, जो कटिंग होती है कर लें, उसके बाद अगर जहाँ पे कटिंग पॉसिबल नहीं है आपके पास वो उसकी लोएस्ट फॉर्म है। जैसे आप लिखते हैं जी 2/4, ये 2/4 लोएस्ट फॉर्म नहीं है, आप इसकी कटिंग कर लें 2 1s are 2, 2 2s are 4, तो 1/2 जो है वो आपकी 2/4 की लोएस्ट फॉर्म है। तो आंसर को कोशिश करते हैं हमेशा अपनी लोएस्ट फॉर्म में एक्सप्रेस करें। टू एग्जामिन वेदर अ पॉलीनोमियल इज इट्स इन लोएस्ट फॉर्म और नॉट, उसने अब बताया है कि कैसे आप चेक कर सकते हैं कि आपकी जो एक्सप्रेशन है वो लोएस्ट फॉर्म में है या नहीं। आपने अपना एक्सप्रेशन चेक करना है लोएस्ट फॉर्म में है या नहीं, तो उसके लिए आपने एचसीएफ ले लेना है अपने न्यूमिरेटर का और अपने डिनोमिनेटर का। अगर दोनों का एचसीएफ 1 आ रहा है तो इसका मतलब वो अपनी लोएस्ट फॉर्म में है, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर उसका 1 के अलावा और कोई नहीं है, तो इसका मतलब कि वो अपनी लोएस्ट फॉर्म में है, मज़ीद कटिंग पॉसिबल नहीं है, ठीक है जी। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास x माइनस 1 है और ये x का स्क्वेयर प्लस 1। अब मैं इसको खोल के लिख नहीं सकती, ठीक है, x माइनस 1 की अगर मैं फैक्टर देखूँ वो x माइनस 1 ही है, एक तो ये इटसेल्फ है और एक 1 है जिसको जो हर चीज़ का फैक्टर होता है। इसी तरह आपके पास एक एक्स स्क्वेयर प्लस 1 अपना फैक्टर खुद है और एक इसका फैक्टर 1 है, तो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 1 ही आ रहा है, ये दोनों आपस में तो कॉमन नहीं है, तो इसका एचसीएफ क्या हो गया आपके पास, 1 हो गया। अब उसने बताया है आपके पास एक वर्किंग रूल, उसने बताया है कि आप अपनी रैशनल एक्सप्रेशन को लोएस्ट फॉर्म में अगर रिड्यूस करना है तो किस तरीके से करना है, किन स्टेप्स को हमें जो है फॉलो करना पड़ता है। पहले तो आप क्या, स्टेप नंबर 1 है फैक्टराइज ईच ऑफ द 2 पॉलीनोमियल्स पी ऑफ एक्स एंड क्यू ऑफ एक्स। उसने कहा कि आप अपनी पॉलीनोमियल पी ऑफ एक्स के भी और अपनी पॉलीनोमियल क्यू ऑफ एक्स के भी अलग अलग से फैक्टर्स निकाल,
फिर उन फैक्टर्स की मदद से आप HCF निकाल लें। अब आई थिंक HCF तो आप लोगों को निकालना आता होगा, क्योंकि ये जो HCF वाली चीज़ है ये आप अपनी क्लास नंबर 5, 6, 7 में पढ़ते आए हैं कि हम HCF कैसे निकालते हैं। लेकिन आप परेशान ना हो, हम इसको आगे जाके स्टडी करेंगे, जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो वहाँ पे आपको HCF निकाल के भी दिखाया जाए। डिवाइड द न्यूमिनेटर एंड द डिनोमिनेटर बाय द HCF, जो भी आपका HCF आया आपने अपने न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को उस HCF से डिवाइड करना है, और रैशनल एक्सप्रेशन जो आपके पास आएगी वो आपकी लोएस्ट फॉर्म होगी। ठीक हो गया। और ये उसने बड़ा बड़ा आसान तरीका बता दिया जी, वो कहता छोड़ें आप HCF को, बच्चे हमारे जो हैं वो परेशान हो जाते हैं कि जी पॉलीनोमियल्स का हम HCF कैसे निकालें, हम तो नंबर्स का निकालते आए हैं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और इम्पॉर्टेंट तो ना कहीं, इजी वे उसने, बुक वाले ने आपको कह दिया, अल्जेब्रिक फ्रैक्शंस कैन बी रिड्यूस टू इट्स लोएस्ट फॉर्म बाय फर्स्ट फैक्टराइजिंग बोथ द पॉलीनोमियल्स। पहले तो उसने कहा कि आप दोनों पॉलीनोमियल्स को फैक्टराइज कर लें, जो उससे फैक्टर्स बनते हैं ना, कैसे फैक्टर बनते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस वन है उसको आप लिख लेते हैं एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन, तो ये फैक्टर्स हैं एक्स स्क्वायर प्लस वन के। ठीक हो गया। बोथ द पॉलीनोमियल्स इन द न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर को आप फैक्टराइज कर लें, फैक्टराइज करके उससे फैक्टर्स बना लें, उसके बाद जो उनमें कॉमन टर्म आ रही है ना उसको कैंसिल आउट कर दें, जो कैंसिल आउट हो के आपके पास बचेगा वो आपकी लोएस्ट फॉर्म। ठीक है, तो चलें जी एग्जांपल की तरफ चलते हैं ताकि हम इस चीज़ को थोड़ा सा क्लियर कर लें। उसने लिखा है एल एक्स प्लस एम एक्स माइनस एल वाई माइनस एम वाई ओवर थ्री एक्स स्क्वायर माइनस थ्री वाई का स्क्वायर। देखें मुझे तो लग रहा है कि ये बुक से ही समझ आ जाएगा। आप देखें जब भी आपके पास चार टर्म्स आती है ना, चार, आपने हमेशा दो दो करके कॉमन करना है। पहले चेक कर लें पहली दो में से कुछ कॉमन आ रहा है, अगर आ रहा है तो ठीक, अगर नहीं आ रहा तो आप पहली तीसरी को कंबाइन कर लें, अगर नहीं कुछ कॉमन आ रहा पहली और चौथी को कंबाइन कर लें, नो इशू। लेकिन आपने क्या कोशिश करनी है कि आप कॉमन करें दो दो टर्म्स करके। ठीक है, कॉमन इस तरह से करना है कि पहली दो टर्म्स में से जो कॉमन करें तो अंदर फैक्टर जो बच रहा है वो बिल्कुल सेम हो आपके पास जब आप तीसरी चौथी टर्म्स में से कुछ कॉमन करें। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन अब बच्चों के माइंड में आ जाता है कि ये पहली दूसरी में से भी कॉमन आ रहा है, मुझे तो नज़र आ रहा है मेरा पहली तीसरी में से भी कॉमन आ रहा है। ठीक है, मैं आपको ये सॉल्व करके दिखाती हूँ तो आई थिंक कॉन्सेप्ट जो है वो ज़्यादा क्लियर होगा। चलेंगे इधर आ जाते हैं। क्या कहता है जी वो, एल ऑफ एक्स प्लस एम ऑफ एक्स माइनस एल ऑफ वाई माइनस एम ऑफ वाई ओवर थ्री एक्स का स्क्वायर माइनस थ्री वाई का स्क्वायर। सबसे पहले तो आपने ये बात याद रखनी है कि जब भी आपके पास चार रकमें आ रही हैं, ये पहली रकम, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, तो आपने दो दो करके कॉमन करना है। अब आप देखें पहली दो में से क्या कॉमन आ रहा है, पहली दो में से मुझे नज़र आ रहा है एक्स इधर भी है एक्स इधर भी है, तो एक्स को मैं बाहर निकाल लूँ तो अंदर मेरे पास क्या बच गया, एल बच गया, प्लस का साइन है बीच में और एम बच गया। आपने ये कटिंग नहीं करनी है एक्स की, ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए की है कि ये कॉमन चला गया बाहर निकल गया तो बाकी क्या बचा है, एल प्लस एम। उसके बाद माइनस इधर भी है माइनस इधर भी है, मैंने माइनस को बाहर कर लिया, वाई इधर भी है वाई इधर भी है, वाई को मैंने कॉमन कर लिया, अंदर क्या बचा, याद रहे कि जब भी आप माइनस कॉमन करेंगे अंदर आपके पास साइन चेंज हो जाएगा, तो ये आपके पास बच गया एल प्लस एम। आपने चेक करना है कि जो चीज़ आपकी यहाँ बन रही है वही सेम यहाँ बन रही है, तो इसका मतलब आपने काम ठीक किया, और अगर ऐसा नहीं है तो इसका मतलब आपने काम ख़राब कर दिया। अब नीचे से देखें, थ्री इधर भी है थ्री इधर भी है, थ्री को कॉमन कर लें, अंदर आपके पास क्या बच जाएगा, एक्स का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर। ठीक हो गया। अब देखिए अब ये वाली पूरी एक टर्म बन गई आपके पास, क्योंकि इनके बीच में कोई साइन नहीं है। अब ये नहीं आपने कहना कि ये प्लस का साइन वाला बस, नो, आपकी ये एक रकम है एल प्लस एम, ये मल्टीप्लाई एक्स से हो रही है, एक्स और एल प्लस एम के बीच में कोई साइन नहीं है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये पूरी एक टर्म है। इसी तरह ये आपके पास दो दूसरी टर्म, तो दो टर्म्स में से क्या कॉमन आ रहा है, एल प्लस एम इधर भी है एल प्लस एम इधर भी है, तो एल प्लस एम को आप बाहर निकाल लें, अंदर क्या रह गया,
ये तो बाहर चला गया, ये भी बाहर चला गया, अंदर क्या रह गया, x माइनस वाई। ये आपके पास आ गया जी x माइनस वाई, ठीक हो गया। अब नीचे आ जाओ, आप पढ़ के आए हैं कि ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी। अब यहाँ ए बी की जगह एक्स वाई लिखा हुआ है, तो आप लिख दें जी एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई। ये वाली टर्म आपकी इस वाली टर्म से कैंसिल हो गई। अब मुझे नज़र आ रहा है कि मज़ीद कैंसिलेशन पॉसिबल नहीं है, तो मेरे पास ये जो बचा एल प्लस एम ओवर थ्री एक्स प्लस वाई, ये मेरी लोएस्ट फॉर्म। और लोएस्ट फॉर्म में जब मैंने रिड्यूस कर लिया तो यही मेरा जो है ये रैशनल एक्सप्रेशन है। अब सवाल पैदा होता है कि जी हम एचसीएफ की मदद से भी देखना चाहते हैं, ठीक है, तो देखें जी एचसीएफ की मदद से क्या होगा। कोई मुश्किल बात नहीं है, एचसीएफ की मदद से भी आपके पास उतना ही आसान है जितना आपके पास शायद आप एचसीएफ वाले को ज़्यादा इंजॉय करें। देखें ऊपर वाला जो है ना वो आपका एक पॉलीनोमियल है, ठीक है, वो उसने दिया हुआ है। अब यहाँ मैं x नहीं लिख सकती क्योंकि ये एक्स वाई में है, ठीक है, तो मैंने पी ऑफ एक्स वाई लिख दिया, एक्स कॉमा वाई। आपके पास दिया हुआ उसने एल एक्स प्लस एम एक्स माइनस एल वाई माइनस एम वाई ओवर, ओवर नहीं लिखना, ये आपके पी ऑफ एक्स वाई आ गया, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर लें, आपको पता है कि x कॉमन आ जाएगा पहली दो में से और आपके पास अंदर बचेगा l प्लस m। बिल्कुल इसी तरह आपके पास दूसरी दो में से कॉमन आ जाएगा माइनस y, ठीक है, यहाँ मैंने बता दिया ना आपको, तो अंदर आपके पास बच जाएगा l प्लस m, ठीक है। उसके बाद l प्लस m इधर भी है, l प्लस m इधर भी है, अगेन l प्लस m को हमने कर लिया कॉमन, तो अंदर आपके पास रह गया x माइनस वाई, क्योंकि l प्लस एम तो दोनों में से कॉमन चला गया, इधर से भी कॉमन चला गया, इधर से भी कॉमन चला गया, तो आपके पास x माइनस वाई रह गया। ये आपके पास एक आई है p ऑफ एक्स वाई, ठीक है। अब आप दूसरी निकाल, दूसरी क्या है, थ्री एक्स स्क्वेयर माइनस थ्री वाई स्क्वेयर, उसको नाम दे लें आप q ऑफ एक्स वाई। आपके पास है थ्री एक्स का स्क्वेयर माइनस थ्री वाई का स्क्वेयर। अब आपको पता है कि थ्री आपके पास कॉमन आ जाएगा, आपके पास बचेगा एक्स का स्क्वेयर माइनस वाई का स्क्वेयर। फिर आपको पता है कि ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर हो तो उसको हम वन टाइम ऐड और वन टाइम सब्ट्रैक्ट के साथ लिख लेते हैं, तो आप लिख लें जी थ्री तो वैसे ही रहेगा, एक दफ़ा आप इसको लिखेंगे एक्स प्लस वाई, एक दफ़ा आप इसको लिखेंगे एक्स माइनस वाई, ठीक हो गया। अब आप देखो आपके पास पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स का एच सी एफ निकाल, तो बच्चों हम एच सी एफ कैसे निकालते होते हैं, आप पहले देखें पी ऑफ एक्स वाई है आपके पास आया एल प्लस एम आया और एक्स माइनस वाई आया, ठीक है, और q ऑफ x ये आपके पास ऊपर लिखा हुआ है, तो आप देख लो एच सी एफ कैसे निकालते हैं, उसमें से कॉमन फैक्टर देखते हैं, कौन सा कॉमन फैक्टर है, ये कॉमन फैक्टर है, ठीक है, ये कॉमन फैक्टर, तो एच सी एफ मेरे पास x माइनस वाई आया है। उसके बाद उसने वर्किंग रूल में बताया था कि आपके पास जो एच सी एफ आए उससे आपने अपना p ऑफ x को भी डिवाइड कर देना है, उससे आपने अपने q ऑफ x को भी डिवाइड कर देना है, जो भी आपके पास एच सी एफ आएगा उससे आपने अपने पी ऑफ एक्स को भी डिवाइड कर देना, उससे आपने अपने क्यू ऑफ एक्स को भी डिवाइड कर देना। तो देखिए जब आप पी ऑफ एक्स ओवर क्यू ऑफ एक्स की फॉर्म में लिखेंगे तो आपके पास बनेगा चले हम पहले डिवाइड कर लेते हैं, जैसे बुक वाले ने कहा है ना वैसे स्टेप्स को फॉलो करते हैं। आपके पास है जी पी ऑफ एक्स वाई, ये आपके पास है जी l प्लस एम x माइनस वाई, ठीक है, और आपके पास जो q ऑफ एक्स वाई है वो आपके पास आया 3 x प्लस वाई
अब आप परेशान हो रहे होंगे कि ये मैं क्या कर रही हूँ और ये कुछ समझ नहीं आ रहा, थोड़ा सा ज़रा पेशेंस रखें। ये मैंने क्यों किया, देखिए आपके पास जो गिवन इक्वेशन है वो पी ऑफ एक्स ओवर क्यू ऑफ एक्स की शक्ल में, पी ऑफ एक्स ओवर क्यू ऑफ एक्स की शक्ल में थी। उसने कहा कि आप पहले पी ऑफ एक्स का फैक्टर्स निकाल लें, क्यू ऑफ एक्स के फैक्टर्स निकाल लें, उनका एच सी एफ निकाल लें, फिर जो एच सी एफ आपके पास आता है उससे आपने अपना पी ऑफ एक्स भी डिवाइड कर देना, ठीक है, ये एच सी एफ आया, इससे आपने अपना पी ऑफ एक्स भी डिवाइड कर देना, इसी से आपने अपना क्यू ऑफ एक्स भी डिवाइड कर, यही फरमाया है ना उसने। ये आपका इससे कैंसिल हो जाएगा, ये वाला आपका इससे कैंसिल हो जाएगा, तो आपका पी ऑफ एक्स वाई ओवर क्यू ऑफ एक्स वाई में क्या बचा, एल प्लस एम ओवर थ्री इंटू एक्स प्लस वाई, ठीक है, बाकी सारा तो कैंसिल, एल प्लस एम ओवर थ्री इंटू एक्स प्लस वाई ये आपके पास बचा है। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं एल प्लस एम ओवर थ्री इंटू एक्स प्लस वाई ही बचा। तो एच सी एफ लेने वाली जो चीज़ है वो आपके पास काफ़ी लेंथी हो जाती है कि आप पहले पी ऑफ एक्स का फैक्टर निकालें, क्यू ऑफ एक्स का फैक्टर निकालें, उनका एच सी एफ देखें। जब एच सी एफ देख लिया, क्योंकि आपके पास गिवन क्वेश्चन जो है वो पी ऑफ एक्स ओवर क्यू ऑफ एक्स की शक्ल में है, ये देखें ये आपका क्वेश्चन था ना, ये पी ऑफ एक्स ऊपर वाले को हमने पी ऑफ एक्स वाई का, नीचे वाले को क्यू ऑफ एक्स वाई का, जब क्वेश्चन ओवर की शक्ल में है तो आपने आंसर भी ओवर की शक्ल में लिखना है। तो उसने कहा आप पी ऑफ एक्स वाई लिखें ओवर क्यू ऑफ एक्स वाई लिखें, और जो आपका एच सी एफ आया उससे आप पी ऑफ एक्स वाई को भी डिवाइड कर दें, आप क्यू ऑफ एक्स वाई को भी डिवाइड कर दें, तो फिर जम्स को कैंसिल आउट करके जो आपके पास चीज़ बचेगी वो आपकी जो है रैशनल एक्सप्रेशन की लोएस्ट फॉर्म होगी। तो मैं आपको यही प्रेफर करूँगी कि आप ये वाला मेथड फॉलो करें, क्योंकि ये वाला जो है ना वो 9th 10th के स्टूडेंट्स के लिए इट्स क्वाइट डिफिकल्ट। बड़े मज़े का सवाल आ गया। अच्छा मैं तो आप लोगों को कहूँगी कि आप जो 6th 7th में मैथ्स पढ़ते आए हैं ना उसको ज़रूर देखें, उसमें आपको ये बताया गया है कि आप फैक्टराइजेशन किस तरह से करते हैं। ये क्वेश्चन भी हम सॉल्व करते हैं, हमने बुक से नहीं मतलब करना, क्योंकि वो उस तरह से आप ले नहीं सकोगे मेरी बात को ना, अगर हम बुक का ही देख ही जाएंगे सिर्फ। तो मेरे कहने का मतलब है कि अगर बुक के स्टेप्स से समझाने की कोशिश करूँगी तो उस तरह से शायद उतना अच्छा समझ ना आए जितना अच्छा आपको यहाँ से समझ आ जाए। आपके पास है 3x का स्क्वायर प्लस 18xy सॉरी 18x प्लस 27 ओवर 5x का स्क्वायर माइनस 45। फर्स्ट स्टेप, आपका जो सबसे पहला स्टेप होता है ना वो क्या है कि आपने देखना है कि आपकी टर्म में से कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन क्या आ रहा है। जब चार टर्म्स हो तो दो दो करके कॉमन करते हैं, जब तीन टर्म्स हो तो तीनों में से कॉमन करना है। 3, 18 और 27 में से मुझे पता है कि 3 कॉमन आ जाएगा, क्यों, क्योंकि 3 के टेबल में 18 भी आ जाता है और 27 भी आ जाता है। अब ये 3 तो बाहर चला गया, आपके पास रह गया x का स्क्वायर प्लस 3, 6 18 होता है तो 6 रह जाएगा, x 7 वैसे, फिर प्लस 3, 9 27 होता है तो ये आपके पास आ गया 9 ओवर। नीचे से देखें आपके पास क्या कॉमन आ रहा है, 5, और आपके पास बच जाएगा x का स्क्वायर माइनस 9, ठीक है। अब आप देखते जाएं इस क्वेश्चन को, अब आप देखो ये आपके पास 3 आ गया, ये मैंने बड़ी ब्रैकेट लगा दी, नीचे आपके पास 5 आ गया, नीचे वाले को हम पहले सॉल्व करते हैं, ठीक है। आप मुझे बताएं ये x का स्क्वायर किसका स्क्वायर है, x का ही स्क्वायर है ना, तो ऐसे लिख सकती हूँ x का स्क्वायर। ये 9 किसका स्क्वायर है, 3 का, इसको मैंने लिख दिया जी 3 का स्क्वायर। अब ऊपर आ जाओ, ऊपर आपके पास, अच्छा चलें ऊपर वाले को हम देखते हैं ज़रा एंड पे, अभी मैं आपको पहले नीचे वाला बता दूँ, फिर ना खिचड़ी पक जानी है। ऊपर वाला हम लिखेंगे यहाँ पे साथ साथ, आप बस मुझे ये बताएंगे जब आपके पास लिखा हो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो फिर आप क्या करते हैं, एक दफ़ा प्लस के साथ लिखते हैं दोनों टर्म्स को, एक दफ़ा
माइनस के साथ लिखते हैं, अब दोनों टर्म्स आपके पास क्या हैं, एक एक्स है और एक थ्री है। आपने ये नहीं करना कि आपके पास एक्स स्क्वेयर माइनस नाइन है तो आपने लिख देना है एक्स प्लस नाइन एक्स माइनस नाइन। नो, पहले आपने स्क्वेयर्स बनानी है। नाइन किसका स्क्वेयर है? थ्री का। पहले आपने ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर वाली फॉर्म में लिखना है अपनी चीज़ को। जब आपने ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर वाली फॉर्म में लिख लिया, फिर आपने लिखना है वन टाइम ऐड के साथ दोनों टर्म्स को और वन टाइम सब्ट्रैक्ट के साथ दोनों टर्म्स, ठीक है। अब आप न्यूमिरेटर की तरफ आ जाए, देखें जी ये आपके पास, आपने क्या करना है, अपना लीडिंग कोएफिशिएंट देखना है क्या है और अपना कांस्टेंट देखना है क्या है, ठीक है। दोनों के साइन देखने हैं क्या है, प्लस है और प्लस है, ठीक है। लीडिंग कोएफिशिएंट को और अपने कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करें, क्या बनता है, नाइन वन जार नाइन बनता है। साइन दोनों के साथ कौन सा है, प्लस का। आप यहाँ लिख लें साइड पे करके, प्लस नाइन आता है ऐसे ना, आपने अपनी रफ साइड पे लिख लेना। अब आपने देखना है कि नाइन किस किस के टेबल में आता है। मेरे पास एक वन नाइन जार नाइन होता है और एक मेरे पास थ्री थ्री जार नाइन होता है, यही दो चीज़ें आती हैं, ठीक है, यही दो आती हैं। अब आपने देखना है कि इन दोनों में से किसको मैं प्लस करूं तो मेरे पास ये बीच वाला बने। नाइन प्लस वन करूँगी तो मेरे पास सिक्स नहीं बनना, तो इसका मतलब मुझे फैक्टर चाहिए थ्री और थ्री, क्योंकि जब मैं थ्री प्लस थ्री करूँगी तो मेरे पास सिक्स बन जाएगा, ठीक है। आपने फैक्टर निकाल लिया कि आपके पास थ्री और थ्री चाहिए, उसके बाद आपने कैसे लिखना है, आपने अपनी पहली टर्म वैसे ही लिख देनी है, अपनी आखिरी टर्म भी आपने वैसे ही लिख देनी। बीच में आपने क्या करना है, सिक्स एक्स को ब्रेक करके लिखना है थ्री एक्स प्लस थ्री एक्स की शक्ल, ठीक है। ये जो दो फैक्टर्स आएंगे ना, आपने बीच वाले को उन दो फैक्टर्स की शक्ल में ब्रेक करके लिख देना। लिख दिया। अब ऊपर देखें कितनी रकमें आ रही हैं, फोर टर्म्स आ रही हैं ना, अगेन टू टू करके कॉमन करना है। पहली दो में से आप मुझे बताएं क्या कॉमन आएगा। हमेशा छोटी पावर कॉमन आती है, इधर एक्स की पावर टू है, इधर एक्स की पावर वन है, तो छोटी कौन सी है, एक्स की पावर वन कॉमन चली जाएगी, अंदर क्या रह गया, एक्स की दो पावर्स थी, एक आपने बाहर निकाल ली, एक आपके पास अंदर आ गई, प्लस एक्स की एक ही पावर थी वो तो बाहर चली गई, यहाँ पे सिर्फ क्या बच गया, थ्री प्लस थ्री एक्स प्लस नाइन में से क्या कॉमन आएगा, थ्री कॉमन आ जाएगा क्योंकि थ्री के टेबल में नाइन आ जाता है, थ्री तो कॉमन चला गया, अंदर क्या रह गया, एक्स प्लस थ्री, थ्री जब नाइन होता है तो यहाँ आपके पास आ गया थ्री ओवर। नीचे आपके पास है फाइव एक्स प्लस थ्री और एक्स माइनस थ्री, एक्स प्लस थ्री आ जाएगा आपके पास और आपके पास एक्स माइनस थ्री आ जाएगा। अब आप अपने न्यूमिरेटर में देखें, एक्स प्लस ये एक टर्म है, ये दूसरी टर्म है, एक्स प्लस थ्री आपका इधर भी है, एक्स प्लस थ्री आपका इधर भी है, तो दोनों में से आपके पास एक्स प्लस थ्री जो है वो कॉमन आ जाएगा, बाहर थ्री एज इट इज, एक्स प्लस थ्री आपका कॉमन आ गया। अब अंदर क्या बच गया, ये तो गया बाहर, ये भी गया बाहर, तो अंदर क्या रह गया, एक्स प्लस थ्री ही रह गया, अंदर आपका अगेन एक्स प्लस थ्री ही रह गया, ठीक है जी। ओवर फाइव एक्स प्लस थ्री ओवर एक्स माइनस थ्री, ये प्लस वाले से कट गया, आपके पास बच गया क्या, बच गया जी आपके पास आया थ्री एक्स प्लस थ्री ओवर फाइव एक्स माइनस थ्री, ये आपके पास आई है लोएस्ट फॉर्म, ठीक है। मैं एक दफ़ा फिर कोशिश करती हूँ कि मैं इसी क्वेश्चन को मैं आपको ए सी एफ मैथड से भी करके दिखाऊं, लेकिन अब मैं आपको सात स्टेप्स लिख के बताती हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि पीछे जो क्वेश्चन हमने किया ए सी एफ मैथड से, उसमें मेरे स्टूडेंट्स को मुझे लगता है कि समझने में दिक्कत आई है, ठीक है। तो मैं अब आपको स्टेप बाय स्टेप लिख के दिखाती हूँ, साथ हम स्टेप्स मेंशन करते हैं ताकि आपको ए सी एफ मेथड भी समझ आ जाए।
ठीक है। सबसे पहला स्टेप है आपके पास, स्टेप वन है फैक्टराइज, बोथ पी ऑफ एक्स एंड क्यू ऑफ एक्स। पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स से आपने परेशान नहीं होना, आपका न्यूमिरेटर आपका पी ऑफ एक्स है और आपका डिनोमिनेटर आपका क्यू ऑफ एक्स, ठीक है। चलें जी, पहले मैं लेने लगी हूँ पी ऑफ एक्स। पी ऑफ एक्स आपके पास है स्क्वायर प्लस 18x प्लस 27, ठीक हो गया। आपने क्या करना है, कॉमन देखना है इसमें क्या है। कॉमन आपने देखा आपके पास 3 कॉमन था, क्योंकि 3 के टेबल में 18 भी आ जाता है और 27 भी आ जाता है। अंदर आपके पास बच गया x का स्क्वायर प्लस 3 6 18 6x, प्लस 3 9 27, तो यहाँ आपके पास आ जाएगा 9, ठीक हो गया। नेक्स्ट आप देखें कि 3 वैसे ही, अब मैं बड़ी ब्रैकेट लगाने लगी हूँ क्योंकि मैंने इसको फैक्टराइज करना है अभी मज़ीद। यहाँ मेरे पास लिखा हुआ है 9, लीडिंग कोफिशिएंट मेरा है 1, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास बनता है 9 1 9, साइन मेरे पास है प्लस का। आपने एक साइड पे लिख लेना है कि आपके पास आंसर आना चाहिए प्लस 9। अब आप देखो किस किस को मल्टीप्लाई करने से आपके पास 9 बनता है। एक तो 1 9 ज़ार मेरे पास 9 होता है और एक मेरे पास 3 3 ज़ार 9 होता है। यही दो टर्म्स हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से 9 बनता है। अब इन दोनों में से कौन सी ऐसी है जिसको मैं प्लस करूँ तो मेरे पास 6 बन जाए, तो वो मेरे पास ये है 3 प्लस 3 करूँ तो 6 बनता है। तो आपने क्या करना है, अपनी पहली टर्म को भी ऐसे ही लिख लेना है और अपनी आखिरी टर्म को भी आपने एज इट इज़ लिख लेना है, पहली को भी एज इट इज और लास्ट वन को भी एज इट इज। और बीच में आपने क्या करना है कि आपके पास 3 और 3 आया तो आपने 3 और 3 लिख देना है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं कि वो ऐसे ही लिखा रहने देते हैं, तो बच्चों जो इसके साथ वेरिएबल होगा वो भी आपने लाजमी लगाना है अपनी दोनों टर्म्स के साथ, ठीक हो गया। अब आप देखो कि आपके पास ये 4 टर्म्स बन रही हैं, तो मैंने अभी बताया कि जब भी आपके पास 4 टर्म्स आएँ आपने हमेशा 2 2 करके कॉमन करना है। तो आप देखें फर्स्ट 2 में से आपके पास क्या कॉमन आ रहा है, इधर x की पावर 1 है इधर x की पावर 2 है, तो हमेशा छोटी पावर कॉमन आती है, आपके पास x की पावर 1 कॉमन आ जाएगी। अंदर आपके पास क्या बचेगा, सिर्फ इन दो टर्म्स को देखना है, 2 पावर्स थी, एक बाहर चली गई एक अंदर आ गई, प्लस एक ही पावर है वो बाहर चली गई है तो अंदर क्या रह जाएगा 3। बिल्कुल इसी तरह इधर से आपके पास क्या कॉमन आएगा, 3 कॉमन आएगा, तो आपके पास अंदर क्या बच जाएगा, 3 3 ज़ार 9, ठीक है। 3 तो मैंने बाहर कॉमन कर लिया तो यहाँ x बच गया, प्लस 3 3 ज़ार 9 होता है तो ये आपके पास आ गया x प्लस 3। अब आप देखें कि x प्लस 3 आपकी इस टर्म में भी है, x प्लस 3 आपकी इस टर्म में भी है, तो इसको भी आप कॉमन कर सकते हैं, जो चीज़ दोनों में है उसको आप कॉमन कर लें। x प्लस 3 को मैंने कॉमन कर लिया, अब अंदर क्या बच गया मेरे पास, ये तो गया कॉमन ये भी गया कॉमन, तो अंदर आपके पास क्या बचेगा, अंदर भी आपके पास बच गया x प्लस 3 ही, ठीक है। यहाँ ये बाहर चला गया, यहाँ से क्या बचा x, फिर प्लस यहाँ से 3 बचा, ये भी बाहर चला गया, तो ये आपके पास फैक्टराइजेशन आ गई आपके p ऑफ x। अब इसी तरह हम इसकी फैक्टराइजेशन करने लगे हैं विद रिस्पेक्ट टू q ऑफ x।
x की फैक्टराइजेशन करेंगे तो आपके पास q ऑफ x क्या था, q ऑफ x था जी आपके पास 5x का स्क्वायर माइनस 45। ठीक है, अब आपने क्या करना है, आप देखें यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, 5 कॉमन आ रहा है, अंदर आपके पास बच रहा है x का स्क्वायर माइनस 9। ठीक है, क्योंकि 9 = 45 होता है। उसके बाद आपने देखना है कि ये मेरे पास पहली टर्म का स्क्वायर आ रहा है, मैंने दूसरी टर्म का भी स्क्वायर बनाना। जब भी दो रकमें हों और बीच में माइनस हो, एक के ऊपर स्क्वायर है, तो आपने कोशिश करनी है कि आप दूसरी का भी स्क्वायर बना लें। अब ये देखें, ये मेरे पास है x का स्क्वायर, दूसरी मेरे पास है 9, तो 9 को मैं लिख सकती हूँ कि ये मेरे पास है 3 का स्क्वायर। ये लें जी 9 को हमने लिख दिया, ये हमारे पास आ गया 3 का स्क्वायर। अब आप पढ़ के आए हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपके पास इक्वल होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब ए प्लस बी का मतलब है कि पहली रकम प्लस दूसरी रकम, स्क्वायर छोड़ के लिखनी है, और ए माइनस बी का मतलब है पहली रकम माइनस दूसरी रकम। ठीक हो गया, ये अभी हमारा स्टेप 1 हुआ। अब हमें हमारा स्टेप 2 क्या कहता है, स्टेप 2 कहता है कि आपने लेना है HCF। आपने अपनी पहले लिखनी है P of X का आंसर क्या आया था आपके पास, वो आपके पास आया था जी 3x plus 3। ठीक है, और आपके q ऑफ x का आपके पास क्या आंसर आया है, ये लिखा हुआ आपके q ऑफ x का आंसर। तो q ऑफ x का आपके पास आंसर आया 5x plus 3 एक्स माइनस 3। कॉमन फैक्टर अब आप देख लें दोनों में क्या है, ये आपका एच सी एफ आ गया। ठीक हो गया, ये आपका स्टेप 2 भी हो गया। अब हम चलते हैं अपने स्टेप 3 की तरफ। स्टेप 3 जो है हमारे पास है डिवाइड ऑफ एक्स एंड क्यू ऑफ एक्स बाय एच सी एफ। ठीक है, जो आपका एच सी एफ निकला उससे आप पी ऑफ एक्स को भी डिवाइड कर दें, उससे आप अपने क्यू ऑफ एक्स को भी डिवाइड कर दें। ये आपके पास सामने लिखा हुआ है पी ऑफ एक्स और ये लिखा हुआ है क्यू ऑफ एक्स। तो जब मैं पी ऑफ एक्स को डिवाइड करूँगी एच सी एफ से तो आपके पास क्या बन जाएगा, आपके पास पी ऑफ एक्स है 3x plus 3 एक्स प्लस 3। ठीक है, जब मैं इसको डिवाइड करूँगी अपने एच सी एफ से तो मेरा एच सी एफ क्या आया, एच सी एफ मेरे पास एक्स प्लस 3 आया। ये एच सी एफ है ना, ये जो कॉमन फैक्टर है, इसको आप डिवाइड कर दें एच सी एफ से। तो ये वाली टर्म आपकी और ये वाली कैंसिल हो गई, ये आपका रह गया पी ऑफ एक्स। इसी तरह आपने क्यू ऑफ एक्स को भी डिवाइड कर देना है एच सी एफ से। क्यू ऑफ एक्स आपके पास आया था 5x plus 3x minus। ठीक है जी, ओवर एच सी एफ आपका आया है एक्स प्लस 3।
ये कैंसिल हो गया, मेरा क्यू ऑफ एक्स आ गया 5x-3। ठीक है, और लास्ट आपका स्टेप 4 है कि अब आपके पास जो पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स आया है एच सी एफ पे डिवाइड करने के बाद, उनको आप आपस में डिवाइड कर लें, क्योंकि आपका क्वेश्चन जो है वो पी ऑफ एक्स ओवर क्यू ऑफ एक्स की शक्ल में दिया गया था। तो ये आपके पास आ जाएगा 3x+3 ओवर, यहाँ से आपके पास बचा है 5x-3, तो ये आपके पास आ गया 5x-3। तो आप देख सकते हैं ये आपका वही आंसर आया था, अगर आपको याद हो जैसे भी हमने पहले जो है वो सॉल्व किया। इसे थोड़ा सा नीचे करना चाह रही हूँ, चलिए ठीक हो गया। अब मैं उम्मीद करती हूँ कि स्टेप बाय स्टेप करवाया है तो शायद आपको एचसीएफ मेथड भी समझ आ गया। डिफरेंस प्रोडक्ट जो है रैशनल एक्सप्रेशंस की है उसको हम जो है वो कल डिस्कस करेंगे। आज जो हमने किया, आज हम उससे रेलिवेंट क्वेश्चंस कर लेते हैं, क्योंकि अगर सारा कुछ एक ही दिन में मैं आपको एग्जांपल्स के साथ समझा दूंगी तो फिर एक्सरसाइज पे जब आप आएंगे आप मिक्सअप कर जाएंगे। आपने बताना है कि कौन सी आपके पास पॉलिनोमियल है और कौन सी पॉलिनोमियल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 है, आइडेंटिफाई वेदर द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल, यस और नो लिखना है। एक्स की पावर 2 है, ये 1/x लिखा हुआ है। अब उसने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहा है, रैशनल एक्सप्रेशन नहीं कहा। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है वो एक सिंगल लाइन में दिया होता है पी ऑफ एक्स की शक्ल में, पी ऑफ एक्स ओवर क्यू ऑफ एक्स की शक्ल में नहीं होता आपके पास। और अगर हो भी तो वो फिर टर्म आपकी पूरी टर्म के नीचे होती है। ठीक है, आप देखें ये 3x का स्क्वायर है, यहाँ एक्स की पावर 2 है, ये 1/x है। 1/x का क्या मतलब है, एक्स की पावर -1 है। तो ये आपके पास पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि सेकंड टर्म की पावर आपके पास नेगेटिव आ रही है। इधर आ जाएं, एक्स की पावर 2 है, एक्स की पावर 1 है, ये आपके पास पॉलिनोमियल है। अब यहाँ पे देखें तो एक्स की पावर 3 है, एक्स की पावर 2 है, यहाँ पे एक्स की पावर 1 और ये 1/2 है। तो 1 और 1/2 है, ये दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, मल्टीप्लाई हो रही हैं, बेस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी। 1+1/2 करेंगे वो आपके पास 3/2 बनेगा, तो वो फ्रैक्शन में ही आ रहा है ना, तो ये आपके पास पॉलिनोमियल नहीं है। अब यहाँ पे देखें अगर आप, तो यहाँ पे एक्स की पावर 1 है, यहाँ पे भी एक्स की पावर 1 है, ये ऊपर वाला भी पॉलिनोमियल है, नीचे वाला भी पॉलिनोमियल है, साथ उसमें कांस्टेंट ऐड हो रहा है, तो ये भी आपके पास एक पॉलिनोमियल है। स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज अ रैशनल एक्सप्रेशन और नॉट। अब आपने बताना है इसमें से कौन से आपके पास रैशनल एक्सप्रेशंस हैं और कौन से नहीं हैं। रैशनल एक्सप्रेशन उसने लिख दिया, आपने पॉलिनोमियल ही चेक करना है, न्यूमिरेटर को अलग से, डिनोमिनेटर को अलग से। यहाँ पे पावर 1/2 है, यहाँ पे भी 1/2 है, ये तो नहीं है मेरे पास, क्योंकि पावर दोनों में ही फ्रैक्शन की फॉर्म में आ रही है। यहाँ पे देखूँ तो पावर 3 है, पावर 2 है, पावर 1 है, पावर 2 है। ठीक है, तो इट्स अ रैशनल एक्सप्रेशन, 2 है, पावर 1 है, पावर 2 है। ठीक है, कोई भी आपके पास नेगेटिव या फ्रैक्शन की शक्ल में नहीं आ रही, इधर दोनों ही फ्रैक्शन की शक्ल में आ रही। अब आपके पास नेक्स्ट है पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 है जी, रिड्यूस द फॉलोइंग रैशनल एक्सप्रेशंस टू इट्स लोएस्ट फॉर्म। इसको आपने 8 पार्ट्स हैं, इसको हमने जी लोएस्ट फॉर्म में जो है वो रिड्यूस करना है। पार्ट नंबर 1 है 120 एक्स की पावर 3 वाई की, सॉरी एक्स की पावर है 2 वाई की पावर है 3 जी की पावर है आपके पास 5 ओवर 30 एक्स की पावर है आपके पास 3 वाई की पावर है आपके पास 1 जी की पावर है आपके पास 2। बहुत आसान है, आप फैक्टर्स बना लें 120 के भी और 30 के भी। 120 के बना लें पहले, 2 6 12 07 वैसे ही, 2 30 60 होता है आपके पास,
नेक्स्ट आपके पास 2 15s are 30 है, उसके बाद आपके पास है जी 3 5s are 15 और आपके पास है 5 1s are 5। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह जब आप 30 के बनाएंगे तो आपके पास आ जाएगा 2 15s are 30, 3 5s are 15 और 5 1s are 5। ठीक है, अब आपने यही फैक्टर्स जो आपके आए हैं ना इधर लिख देने हैं, 2 2 2 3 into 5, 2 multiply by 2 multiply by 2 multiply by 3 multiply by 5 और साथ लिखा हुआ है x का स्क्वायर y की पावर 3 और z की पावर है जी 5। इसी तरह जब आप 30 के लिखेंगे वो आपके पास आ जाएगा 2 3 5 x की पावर 3 y की पावर 1 z की पावर 2। ठीक है, अब ये 2 2 से कैंसिल हो गया, ये 3 3 से कैंसिल हो गया, ये 5 5 से कैंसिल हो गया, क्या बचा आपके पास? आपके पास ऊपर बचा है 2 2 4। अब आगे लिखा हुआ है x का स्क्वायर, इसका मतलब x कितनी दफ़ा है, 2 दफ़ा x इंटू x। साथ लिखा हुआ है y का क्यूब, इसका मतलब y 3 दफ़ा है, y इंटू y। z कितनी दफ़ा है, 5 टाइम्स है, तो इसका मतलब है z 1 2 3 4 5। नीचे आपके पास है x 3 दफ़ा है, तो x इंटू x इंटू x, y 1 दफ़ा है और z आपके पास है 2 दफ़ा, z इंटू z। अब ये देखें, ये z इस z से कैंसिल, ये वाला z इस z से कैंसिल, ये y से कैंसिल, यहाँ पे 1 2 x हैं, ये 2 x 2 x से कैंसिल। तो अब आपके पास क्या बच गया, 4 बचा है, 1 और 1 2 y बचे हैं, 1 2 3 z बचे हैं और नीचे सिर्फ 1 x बचा है। तो वो x नीचे लिखने के बजाय आप ऊपर ला के x की पावर बेशक -1 करें। ठीक है, ये आपके पास आंसर है। नेक्स्ट हमारा पार्ट नंबर 2 है, पार्ट नंबर 2 है जी हमारा -1। अच्छा, फैक्टराइजेशन आपकी जो है ना वो लीनियर इक्वेशन की नहीं हो सकती, फैक्टराइजेशन आपकी हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्यूबिक इक्वेशन की होती है या हायर डिग्री पॉलीनोमियल्स की होती है। लीनियर इक्वेशन से मेरी मुराद जहाँ आपकी वेरिएबल की पावर 1 है ना, उसको आप फैक्टराइज नहीं कर सकते, वो आपके पास एज इट इज़ रहना। तो ये ऊपर वाला तो आपके पास एज इट इज़ आ जाएगा, 8a इंटू एक्स प्लस 1 आपके पास एज इट इज़ आ जाएगा। अब आप नीचे देखें, नीचे आपके पास है 2, ये लिखा हुआ है x का स्क्वायर और ये 1 किसका स्क्वायर होता है, ये लिखा हुआ है x का स्क्वायर और 1 मुझे पता है कि 1 का ही स्क्वायर होता है, तो ये आ गया जी 1 का स्क्वायर। तो अगेन आपके पास x स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर है, a स्क्वायर माइनस b वाली शक्ल बन रही है, तो आप इसको लिख सकते हैं 1 टाइम ऐड के साथ और 1 टाइम सबट्रैक्ट के साथ।
नीचे आपके पास आ जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1। ये प्लस वाली टर्म प्लस वाली से कैंसिल हो गई, 2 वन ज़ार 2, 2 फोर ज़ार 8, तो आपके पास आ गया 4 ए ओवर 1। ठीक है, ये आपके पास आ गई सिंपलेस्ट फॉर्म। अब चलते हैं हम पार्ट नंबर 3 की तरफ। तो देखें जी, पार्ट नंबर 3 है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy ओवर एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आप पहले अपना न्यूमिरेटर खोलें और उसको सॉल्व करें। न्यूमिरेटर क्या है आपके पास? एक्स का स्क्वायर है। खोलेंगे जब स्क्वायर, पहली टर्म का स्क्वायर, दूसरी टर्म का स्क्वायर, फिर हम क्या करते हैं 2 के साथ पहली टर्म लिखते हैं और दूसरी टर्म लिखते हैं। ठीक है, ये स्क्वायर खोला, बिल्कुल ऐसे ही जैसे आपके पास a प्लस बी का स्क्वायर होता है, आप लिखते हैं a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। अब यहाँ a b की जगह उसने एक्स वाई यूज़ किया हुआ, तो एक्स वाई लिख दिया, साथ लिखा हुआ है माइनस 4xy, ये माइनस 4xy साथ में। अभी नीचे वाले को नहीं खोलना आपको, क्यों नहीं नीचे वाले को खोलना? देखिए, जब आप 4 में से 2 माइनस करेंगे ना, ये भी एक्स वाई है, ये भी एक्स वाई है, तो इस ये लाइक टर्म्स हैं, सेम है, तो इनके कोएफिशिएंट्स आप माइनस कर सकते हैं। तो जब आप 4 में से 2 माइनस करेंगे ना, तो आपके पास माइनस 2xy आ जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस माइनस, 4 में से 2 माइनस करेंगे माइनस 2xy आएगा। नीचे जब आप, आपके पास बन जाएगा ऊपर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। तो ये किसका फॉर्मूला है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab किसका फॉर्मूला है? ए माइनस बी होल स्क्वायर का है। तो बजाय इसके आप नीचे वाला खोलें, ऊपर वाले का फॉर्मूला क्लोज कर दें। और अगर आप कहते हैं नहीं जी, हमें ऊपर वाले का फॉर्मूला क्लोज करना नहीं आता, तो आप नीचे वाला खोल लें। आपके पास आ जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 2xy। खुदारा खुदारा ये काम ना करना शुरू कर देना कि ये इससे कट गया, ये इससे कट गया। जब बीच में साइन हो ना प्लस माइनस के, फिर आप ऊपर नीचे ऐसे कटिंग नहीं कर सकते। कटिंग उसी वक्त होती है जब आपके पास मल्टीप्लिकेशन में टर्म्स आ रही हैं। आपके पास बन जाएगा x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, 4 में से 2 माइनस किया 2, साइन बड़ी वैल्यू का, तो ये आपके पास आ गया माइनस 2xy। अब ये पूरी एक टर्म है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2xy, और नीचे भी आपके पास है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2xy। ठीक है, अब ये पूरी टर्म पूरी से कैंसिल हो सकती है, लेकिन अगर आपके पास ऊपर नीचे सेम चीज़ें नहीं हैं, तो फिर आप कैंसिल आउट अंडर एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये अब एक पूरी टर्म है, ये पूरी टर्म इस पूरी टर्म से कैंसिल हो जाएगी। दूसरा तरीका ये था कि आप नीचे वाला स्क्वायर का फॉर्मूला ना खोलते और आप ऊपर वाले को स्क्वायर कंप्लीट कर लेते, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 2xy। देखो गौर करो, ये बना ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab, वही शक्ल है ना, बस ए बी की जगह उसने एक्स वाई लिख दिया। जब आप इसको क्लोज करोगे, तो ये आपके पास बन जाना था एक्स माइनस y का होल स्क्वायर। और नीचे भी आपको पता है, नीचे वाले को खोलने की ज़रूरत ही नहीं थी, नीचे भी आपके पास x माइनस y का होल स्क्वायर था। ठीक है, तब भी ये दोनों टर्म सेम थी, इससे कैंसिल आउट हो जाना था अगर आप डिनोमिनेटर अपना ना भी ओपन करते। बहरहाल ये कैंसिल आउट हो गया और आपके पास क्या आना है, आंसर 1। नेक्स्ट आपके पास है पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 है आपके पास x की पावर 3 माइनस y की पावर 3, x का स्क्वायर माइनस 2xy प्लस y का स्क्वायर ओवर में आपके पास है x माइनस y इंटू x का स्क्वायर
प्लस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर। बहुत बहुत आसान क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन देख के बस परेशान नहीं हो, ठीक है? आप मुझे खुद बताओ, कुछ भी नहीं है ये, कुछ भी नहीं है, मैं बताती हूँ। देखें एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब लिखा हुआ, ठीक है? आप कैसे खोलते हैं इसको, मैं फर्स्ट लेक्चर है मेरा, कैसे खोलते हैं फॉर्मूलाज को। पहले आपने लिखना पावर छोड़ के, लिखें पावर छोड़ के, आपके पास आ जाएगा एक्स माइनस वाई। फिर क्या करते हैं, पहली टर्म का स्क्वायर लिखते हैं, पावर छोड़ के देखनी है पहली टर्म, पावर छोड़ के देखें पहली टर्म का स्क्वायर, दूसरी टर्म का स्क्वायर, साइन चेंज करके माइनस लिखा हुआ है तो प्लस, दोनों को मल्टीप्लाई, आपके पास आ गया एक्स वाई। अब यहां आ जाओ, ये किसका स्क्वायर है, एक्स का स्क्वायर है, ये वाई का स्क्वायर लिखा हुआ है। अब गौर करें, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है? और साथ उसने लिख दिया माइनस टू एक्स वाई, मतलब पहली टर्म लिखी हुई है और साथ दूसरी लिखी हुई, ऐसे लिखा हुआ है ना उसने, तो ये क्या बनता है, ए स्क्वेयर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वेयर इज ए माइनस बी होल स्क्वेयर, ए माइनस बी होल स्क्वेयर, ठीक है? अब आपकी अपनी माइंड की बात है कि आप कितना फॉलो कर सकते हो। असूली तौर पे तो आपको ऊपर वाला खोलना नहीं चाहिए था, अब आप मेरी बात को ज़रा फॉलो करने की कोशिश कीजिएगा, नीचे वाले पे ज़रा गौर करें कैसे लिखा हुआ है, पहले एक्स माइनस वाई लिखा हुआ है, फिर देखें, फिर लिखा हुआ है पहली टर्म का स्क्वायर, दूसरी टर्म का स्क्वायर, साइन चेंज करके दोनों को मल्टीप्लाई किया, तो ये ऑब्वियस है कि आपके पास क्यूब का फॉर्मूला बन रहा है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फॉर्मूला बन रहा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आपकी फॉर्मूलाज पे ग्रिप कितनी है, आप उसी हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए आपको मैंने बताया था कि जब भी आपने एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फॉर्मूला खोलना है, आपने क्या करना है, आपने पहले पावर्स छोड़ के लिखना है, फिर आपने क्या करना है, आपने करना है पहली टर्म का स्क्वायर प्लस दूसरी टर्म का स्क्वायर और बीच में जो भी साइन होगा, जो भी होगा, पहली टर्म का स्क्वायर प्लस दूसरी टर्म का स्क्वायर, बीच में जो भी साइन होगा उसका साइन चेंज करके आपने पहली टर्म और दूसरी टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं। अब आप ध्यान दो कि जब आपके पास ये वाली चीज़ होगी तो आपके पास हमेशा x की पावर 3 माइनस वाई की पावर 3 का फॉर्मूला बनेगा, ठीक है? अगर तो आपको पता चल जाता है तो वेल एंड गुड, आप ऊपर वाला खोलने की बजाय नीचे वाले को क्लोज कर लें, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब लिखें। अगर नहीं पता चलता तो आप ऊपर वाले को खोल लें, नीचे वाला आपके पास वैसे ही x माइनस वाई एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स वाई वाई का स्क्वायर है, ठीक है? अब आप देखो, ये एक रकम है पूरी, ये एक रकम है पूरी, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनके बीच में कोई साइन नहीं है। अब आप कटिंग कर सकते हो, ये x माइनस वाई है और ये भी मेरे पास x माइनस वाई है, कैंसिल हो गया,
ये लिखा हुआ है एक्स का स्क्वेयर प्लस वाई का स्क्वेयर प्लस एक्स वाई, एक्स का स्क्वेयर प्लस वाई का स्क्वेयर प्लस एक्स वाई, बिल्कुल सेम है। ये वाली टर्म कैंसिल हो गई इस वाली टर्म से। ठीक है जी, अब आपके पास सिर्फ रह गया है एक्स स्क्वेयर माइनस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर। फॉर्मूला जितनी अच्छी आपकी ग्रिप होगी ना आपके फॉर्मूले पे, उतना अच्छा आपको पता चल सकेगा कहाँ कौन सा फॉर्मूला क्लोज होना है। तो एक्स स्क्वेयर माइनस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर, ये आपके पास एक्स माइनस वाई का होल स्क्वेयर। अगर आप लिख दोगे ना इसको एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर, गलत हो जाएगा। एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर के लिए फॉर्मूला और है, एक्स माइनस वाई होल स्क्वेयर के लिए और है, एक्स प्लस वाई होल स्क्वेयर के लिए और है। तो इसलिए मेरी बार बार आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि लेक्चर नंबर वन देखिए, मेरा जो फार्मूला ट्रिक्स के ऊपर है, शॉर्ट फार्मूला ट्रिक्स हैं, उसमें ये बताया गया है कि फार्मूला को ओपन कैसे करना है और क्लोज कैसे करना है आपने। नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट नंबर फाइव। पार्ट नंबर फाइव है जी हमारे पास एक्स प्लस वाई का, सॉरी एक्स प्लस टू एक्स स्क्वेयर माइनस वन ओवर एक्स प्लस वन ओवर एक्स का स्क्वेयर माइनस फोर। ठीक है जी, अब मैंने आपको बताया लीनियर फैक्टर जो होते हैं ना उसकी फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती, जिसके ऊपर x की पावर हाईएस्ट वन है ना वो वाली टर्म आपकी वैसे ही रहेगी। ये लें जी, ये x प्लस टू जो है आपके पास वैसे ही आ जाएगा। यहाँ मुझे पता लग रहा है दो ही रकमें हैं, बीच में माइनस है, तो शायद मेरे पास ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर वाली शक्ल बन जाए। तो आप और करें, पहली टर्म आपके पास एक्स है, उसके ऊपर स्क्वेयर है, वो तो आपको पता है कि एक्स का स्क्वेयर है माइनस वन। किसका स्क्वेयर होता है? वन का। ठीक है, ओवर। अब ये फिर लीनियर टर्म, लीनियर टर्म तो आपके पास एज इट इज आ जाएगी एक्स प्लस वन। यहाँ पे अगर आप देखो तो ये पहली टर्म किसका स्क्वेयर है? एक्स का स्क्वेयर है। जब भी दो रकमें हो ना और बीच में माइनस हो तो आपके पास हमेशा ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का फॉर्मूला बनेगा, बट याद रहे कि बीच में माइनस हो। ये आपके पास है एक्स का स्क्वेयर माइनस फोर, किसका स्क्वेयर होता है? टू का। ठीक है, अब जब आपके पास ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर वाली शक्ल बन जाए तो आपने अपनी दोनों रकमों को एक दफा जमा के साथ लिख देना है, एक दफा माइनस के साथ। तो लिखें जमा के साथ x माइनस वन और x प्लस वन, एक दफ़ा इनको जमा के साथ लिख देना है, एक दफ़ा इसी दोनों रकमों को माइनस के साथ लिख देना है। नीचे आपके पास x प्लस वन एज इट इज, उसके बाद लिखा हुआ है x का स्क्वेयर माइनस टू का स्क्वेयर, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। बस फर्क ये है कि आपकी a और b चेंज होते रहते हैं, a यहाँ x है और b आपका 2 है। तो आपने क्या करना है, एक दफ़ा प्लस के साथ लिख देना है, एक दफ़ा माइनस के साथ। अब आप कटिंग कर लें, जो टर्म्स आपकी कट हो रही है सेम साइन वाली टर्म्स कट होनी है, एक्स प्लस टू एक्स प्लस टू से, एक्स प्लस वन से। तो आंसर आपके पास आया है एक्स माइनस वन ओवर एक्स माइनस टू। ठीक है जी, आप याद रखें कि जब भी आपने फैक्टराइजेशन करनी है ना, तीन टर्म्स हैं, चार टर्म्स हैं, या आपके पास आप कह लें दो टर्म्स हैं, सबसे पहला उसका स्टेप होता है कि आपने चेक करना है कुछ कॉमन आ रहा है कि नहीं। कुछ कॉमन आ रहा है देन वेल एंड गुड। फिर आप देख लें कि अगर चार टर्म्स हैं तो दो दो करके कॉमन कर लें, तीन टर्म्स हैं तो तीनों में से कॉमन करना है।
और अगर तीनों में से कॉमन नहीं आ रहा तो फिर आप उसकी फैक्टराइजेशन कर लें, लीडिंग कोएफिशिएंट को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें, पेयरिंग बना लें, जैसे कि आपको एक क्वेश्चन में करवाया जिसमें 9 और 1 को मल्टीप्लाई किया, 9 आ रहा था, फिर आपने 9 को देखा कि वो किस किस टेबल में आता है, ठीक है, वो एक अलग प्रोसीजर था। इसी तरह जब आपके पास x² - y² वाली फॉर्म बनेगी तो आपने पहले देखना है कुछ कॉमन आ रहा है, अगर आ रहा है तो ठीक, अगर नहीं आ रहा तो आपने उसको 1 टाइम ऐड और 1 टाइम सबट्रैक्ट के साथ लिख देना। कुछ छोटी छोटी ट्रिक्स हैं, कोशिश करें कि इसको आप अपने माइंड में रखें। पार्ट नंबर 6 अब हम करने जा रहे हैं, आपके पास है x² - 4x + 4। देखें कितनी टर्म्स हैं, 3 टर्म्स हैं, कुछ कॉमन आ रहा है पहली 3 में से? मुझे नहीं नज़र आ रहा कुछ कॉमन आ रहा है, क्योंकि अगर मैं 4 कॉमन करती हूँ, इधर भी है लेकिन इधर नहीं कुछ कॉमन आ रहा है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, यहाँ 4 लिखा है, यहाँ लीडिंग कोएफिशिएंट क्या है, 1, साइन क्या है, प्लस का, साइड पे लिख लें +4। अब मुझे आप खुद बताएं 4 किस किस के टेबल में आता है, 1 4 4 होता है और 2 2 4 होता है, ठीक है। अब ये साइन प्लस का लिखा हुआ है, इन दोनों में से मैं किसको प्लस करूँ तो मेरे पास 4 बनता है, 4 में 1 प्लस करूँगी तो मेरे पास तो 5 बन जाएगा, इसका मतलब ये वाला फैक्टर तो मैं नहीं ले सकती। फिर यही वाला लूँगी, 2 + 2 करूँगी तो मेरे पास 4 बन जाएगा, ठीक है। अब आपने ध्यान से लिखने का तरीका देखना है, पहली टर्म लिखनी है आपने, आखिरी टर्म लिख देनी है, ठीक है। उसके बाद आपने देखना है फैक्टर 2 और 2 आए हैं, आपने 2 लिख देना है, वेरिएबल साथ लाजमी लिखना है, 2 दो दफ़ा आ रहा है, 2 दफ़ा लिख देना, 2 + 2 किया तो 4 आया ना। अब आपने ये नहीं करना कि यहाँ आप प्लस डाल, नहीं, अब मैं आपको बताती हूँ साइन कैसे डाल। जब भी आपके पास यहाँ प्लस होगा ना, तो आपके जो भी दो फैक्टर्स आएंगे उनके साथ हमेशा सेम साइन लगेगा। अब वो सेम साइन आपके पास कौन सा होगा, प्लस का या माइनस का, वो आपको ये सेंटर वाला बताएगा। अगर माइनस है तो दोनों के साथ माइनस, अगर प्लस है तो दोनों के साथ प्लस। फिर सुन ले, जब भी आपके पास यहाँ पे प्लस होगा ना, आपने हमेशा देखना है कि आपके जो दो फैक्टर्स आ रहे हैं ना, जो भी दो आ रहे हैं, उनके साथ हमेशा सेम साइन लगेगा। वो सेम साइन आपको ये सेंटर वाली टर्म बताएगी कि वो आया प्लस का आएगा या माइनस का, ठीक है। अब नीचे आ जाए, 2 रखने क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, अंदर क्या रह गया, x² - 2 4 8 होता है, तो ये आपके पास 4 आ गया। अब आप देख सकते हैं कि ऊपर आपके पास बन रही है 4 टर्म्स, तो 2 2 करके कॉमन कर लें, पहली 2 में से आप देखें क्या कॉमन आ रहा है। यहाँ मेरे पास x की पावर 1 है, यहाँ मेरे पास x की पावर 2 है, तो छोटी पावर हमेशा कॉमन आती है, x की पावर 1 जो है वो मेरे पास कॉमन आ जाएगी। अंदर क्या रह गया, 2 पावर्स हैं, 1 बाहर चली गई, अंदर x की 1 पावर है, माइनस x की 1 ही पावर है, ये बाहर चली गई, यहाँ क्या बच गया, 2। अब इन दोनों में से देखें क्या कॉमन आ रहा है, माइनस का साइन है लगा दें, 2 और 4 एक टेबल में आ जाते हैं, किसके टेबल में आते हैं, 2 के, तो 2 कॉमन आ रहा है, 2 तो बाहर चला गया, यहाँ x रह गया। जब भी माइनस कॉमन करेंगे, अंदर वाला साइन आंख बंद करके चेंज करते हैं, प्लस था तो मैंने माइनस लगा दिया, अब 2 2 4 होता है। और चेक करने का तरीका है कि जो टर्म आपकी यहाँ आ रही है वही सेम आपकी यहाँ भी बननी चाहिए। नीचे देखें 2, अब ये x का स्क्वायर है, ये किसका स्क्वायर होता है, 2 का, तो लिख लें ये आपके पास x का स्क्वायर है और ये दूसरी टर्म जो है वो आपके पास 2 का स्क्वायर है। अब आप देखें ऊपर में, ये आपकी पूरी एक टर्म है, ये आपकी दूसरी टर्म है, दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, x-2 कॉमन आ रहा है, x-2 को मैंने कॉमन कर लिया, ठीक है, ये फैक्टर सेम है ना, इस वाली टर्म में भी सेम है, इस वाली में भी सेम है, तो ये मैंने कॉमन कर लिया, अंदर क्या बच गया, ये तो बाहर चला गया, यहाँ x बचा, माइनस, ये बाहर चला गया, यहाँ क्या बचा, 2,
ओवर। नीचे आप देख सकते हैं कि आपके पास ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर की शक्ल बन रही है, तो आप उसको लिख लें ए प्लस बी, ए माइनस बी। आप देख लें यहाँ से आपके पास बन रहा है एक्स स्क्वेयर माइनस टू का स्क्वेयर, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर वाली फॉर्म आ रही है, तो ए प्लस बी ए माइनस बी करके लिखेंगे। आपके पास यहाँ पे एक्स माइनस टू आ जाएगा, एक्स माइनस टू एक्स माइनस टू से कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास बचेगा x माइनस टू ओवर टू इंटू एक्स प्लस टू। ठीक है, मैं कोशिश कर रही हूँ कि लिख दिया जिसने, बड़ा आसान है इसका। ये लें जी, ये दो टर्म्स आपके पास कैंसिल आउट हो जाएंगी, आपके पास आ जाएगा x माइनस टू ओवर टू इंटू एक्स प्लस टू। ठीक है, ये आपकी लोएस्ट फॉर्म। ये हमारा पार्ट नंबर जी 6 हो गया, पार्ट नंबर 7 और पार्ट नंबर 8 रह गया। इसको इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, क्योंकि अब जो है ना वो जूम की लिख लिख के बस हो गई है, और वो अब हमारा साथ देने को जो है बिल्कुल भी तैयार नहीं है। तो इससे बेहतर है कि हम तंगी उठाएं तो हम इसको वाइंड अप कर देते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर दें, ताकि नई आने वाली वीडियोज़ आप तक बात आसानी पहुँच सकें। इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।